अभी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने बोला है कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना जो है उसकी चोरी हो गई। अब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉमन आदमी तो हमें लगता है ना कि यार चोरी हुई तो सजा होनी चाहिए, लेकिन एज पर लॉ इसके अंदर कितनी सजा हो सकती है, कानून इसके बारे में क्या बोलता है, जरा उस पर बात करते हैं। देखो, अगर कोई सिंपल चोरी करता है तो उसमें सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता लगेगा, जिसमें 3 साल तक की जेल का प्रोविजन है। लेकिन यही चोरी अगर मंदिर में होती है, मंदिर की कोई मूर्ति उठा के ले जाता है, कोई आइकन लेके जाता है, तो उसमें सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 7 साल तक की जेल का प्रोविजन। और अगर कोई सर्वेंट या क्लर्क ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट अपने मालिक की प्रॉपर्टी चोरी कर लेता है तो उसमें भी 7 साल तक की जेल का प्रोविजन है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिसऑनेस्टली लेके नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी जो है वो भरोसे पे दी जाती। तो अगर किसी ने कोई भरोसे यानी ट्रस्ट के बेस पे प्रॉपर्टी दी है और वो प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो उसे बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और उस सिचुएशन में सेक्शन 316 के हिसाब से 7 साल तक की जेल का प्रोविजन है। लेकिन ज्यादातर मंदिरों की मैनेजमेंट जो है वो किसी ना किसी पब्लिक ऑफिसर के अंडर में आती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एज ए पब्लिक ऑफिसर आपको इंट्रस्टमेंट पे दी हुई है और वो पब्लिक ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो उसमें उम्र कैद तक की जेल का प्रोविजन है। अब इस सिचुएशन में जहां पे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कह रहे हैं कि 228 किलो सोना जो है वो चोरी हो गया, तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। और इसके अंदर अगर कोई दोषी पाया जाता तो इनमें से किसी सेक्शन में या किसी प्रोविजन के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट सजा मिल सकती है।